हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है कि 40 की एज के बाद हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट कैसे रहें, बीमारियों से कैसे बचे रहें। आफ्टर क्रॉसिंग 40 इयर्स हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस ना सिर्फ शरीर में होते हैं बल्कि मेंटली भी होते हैं। इन चेंजेस को अगर हम हेल्दी वे में लेते हैं और इनकी प्रॉपर केयर करते हैं तो हम अपने आप को एक लॉन्ग लाइफ के लिए रेडी कर लेते हैं। दोस्तों, स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है, परंतु ये बात शायद कोई कोई व्यक्ति ही समझ पाता है कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफस्टाइल को भी बदलना पड़ेगा। 40 प्लस लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जब बॉडी में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होने लगती है, छोटी छोटी बीमारियां दस्तक देना शुरू कर देती हैं, जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आईसाइट का वीक होना, जॉइंट्स पेन, बालों में सफ़ेदी का आना, और इस वजह से आदमी अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर देता है। एनर्जी लेवल भी पहले जैसा नहीं रहता। हम अपनी लाइफस्टाइल को इतना बिजी कर लेते हैं कि अपने बारे में कुछ सोचने का टाइम ही नहीं रहता। घर, परिवार, बच्चे, बिजनेस, नौकरी उलझ कर रह जाते हैं इन सब में। 40 साल तक हम सब में बहुत एनर्जी होती है, जो खाते हैं वो पच जाता है, जितना मर्जी काम कर लो थकान नहीं होती, हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स पूरी डेफिशिएंसी से काम करते हैं। परंतु 40 की एज के आसपास हमारे ऑर्गन्स स्लो होने लगते हैं, कुछ हम अपनी गलतियों से भी, जैसे अनहेल्दी फूड, ओवरलोड वर्क, स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी अपने शरीर को जल्दी बूढ़ा कर लेते हैं। इसके अलावा बाय वर्च्यू ऑफ एज आल्सो 40 के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इतने एफिशिएंट नहीं रह जाते जितने पहले होते थे। शरीर थका थका सा महसूस करने लगता है, हमारी बॉडी पहले की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती। परंतु अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं तो आप अपनी उम्र को 10 साल पीछे छोड़ सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट, यू कैन अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स एनी टाइम। दोस्तों, टाइम कभी नहीं निकलता, आज से ही अपने लिए जीना शुरू करें। दोस्तों, 40 प्लस की एज में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है। जिन चीज़ों को पहले बहुत इजीली हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती थी, अब वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी डाइट में चेंजेस लाएं। जो खाना आप पहले खाते आ रहे थे, अब आपकी एज के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। 40 प्लस की एज में कैलोरीज की मात्रा कम कर देनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। 40 प्लस की एज में मसल्स वीक होने लगते हैं और फैट बढ़ने लग जाता है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि शरीर में मोटापा ना बढ़े। दूध, दाल, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। स्प्राउट्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। आपको अपने शरीर के न्यूट्रिशंस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। क्वालिटी ऑफ फूड पर ज़्यादा फोकस करना होगा। 40 प्लस का टाइम लेडीज़ के लिए तो और भी चैलेंजिंग वाला होता है, क्योंकि उनका मेनोपॉज का टाइम करीब आने लगता है और उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान दें। वो ना सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब होने लगती है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्टेज पर भी पहुँच जाती हैं। हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें मेंटल इश्यूज तक ले जाती हैं। अगर आपको इन सब से बचना है तो नियमित योगाभ्यास करना होगा। बीमारी ना आए उसके लिए पहले से ही अगर आप अलर्ट हैं तो सबसे अच्छी बात है। नेचुरल फूड्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए और प्रोसेस्ड फूड्स, टिन फूड्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, नमकीन्स, कोल्ड ड्रिंक्स को टाटा बाय बाय कीजिए। ये सभी चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पॉइल करती हैं और एक बार प्रॉब्लम शुरू होने के बाद वापस रिवाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो अब आप सतर्क हो जाइए। अपने खाने में आयरन, कैल्शियम का खास तौर पर ध्यान रखिए। अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स का इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, न्यूट्रिशन सभी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। नट्स का इस्तेमाल कीजिए। सोयाबीन का यूज़ मत कीजिए। इस एज में आके सोयाबीन डाइजेस्ट नहीं होता है। ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए, कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए इस एज में आके। दोस्तों, अपने खाने का टाइम निश्चित करें, अपने खाने को एक निश्चित समय पर ही लें। पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए 40 प्लस के बाद। डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस एज में और हमारा पाचन तंत्र भी प्रॉपर तरीके से काम करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। फ्रेंड्स,
आप ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर ले सकते हैं। वाइट ब्रेड और नॉर्मल बटर का यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। लो फैट मिल्क का यूज़ करें। वाइट शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। ब्राउन शुगर, गुड़ या शहद का यूज़ करें। नॉर्मल राइस का इस्तेमाल ना करें। ब्राउन राइस को अपनी डाइट में शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स का यूज़ करें। मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, कुकुम्बर सीड्स, चिया सीड्स, अलसी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जितना हो सके उन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। चाय की मात्रा घटा दें, बजाय उसके आप ग्रीन टी का यूज़ करें। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है फिजिकल एक्टिविटी। इस एज में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। योगा करें, 30 से 40 मिनट तक वॉक करें, प्राणायाम करें या जिम जाइए, पर जरूर करें। अगर आपने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया है तो इस एज में आकर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें। शरीर में एनर्जी लेवल बना रहे और फैट इकट्ठा ना हो, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ बिजी टू कीप योर सेल्फ ईजी, इससे आप मेंटली भी स्ट्रोंग रहेंगे। दोस्तों, ये एज का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिस पर अगर हम सतर्क नहीं हुए तो आगे जाकर कोई ना कोई बीमारी हमें घेर ही लेगी और फिर शुरू हो जाती हैं दवाइयाँ, जिसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है बीमारियों का चक्रव्यूह, जिसमें से आदमी निकल ही नहीं पाता। और 50, 60, 70 की एज में हमें काफ़ी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए आप अगर अभी स्वस्थ हैं तो भी सतर्क हो जाइए, और अगर बीमारियों ने आपको दस्तक दे दी है तो भी उनमें से निकलने की कोशिश कीजिए। अपने लिए टाइम निकालिए, आयुर्वेद को अपनाइए, अपने शरीर में हो रहे चेंजेस को एक हेल्दी वे में डील करें, ना कि टेंशन बनाएं। साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं, ताकि अगर आपके शरीर में किसी प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है तो उसका आपको समय पर पता चल जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मैसेज कन्वे कीजिए कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। अपने घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हों। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।